हमारे गुरुजी सिद्ध होए चाहे न होए, हमें जो कुछ मिलेगा उनसे मिलेगा, हमको दूसरे से कोई देता तो भी नहीं चाहिए। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज नाम सुना है विट्ठल विपुल देव जी का? नहीं। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य, स्वामी हरिदास जी की परंपरा के द्वितीय आचार्य चरण श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी, जो बिहारी जी तो स्वामी जी ने प्रकट किए, पर बिहारी जी को बाहर लाने का श्रेय विट्ठल विपुल देव जी को। जब स्वामी हरिदास जी अंतर्धान हो गए तो श्री विट्ठल विपुल देव जी ने, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये उन्हीं का पद है, विट्ठल विपुल देव जी का। हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री पंडित श्री जसराज जी ने बहुत बढ़िया गाया है, इसको क्या कहें, अद्भुत गाया। हमने वृंदावन में उनकी वाणी से ही सुना था, हमारे माई श्यामा जी को राज, उनकी वाणी से ही हमने सुना था। महाराज विट्ठल विपुल देव जी ने अन्न जल त्याग दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली, गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी चले गए तो हमें संसार को देखना नहीं, गुरु जी ने तो संसार क्या देखेंगे, वृंदावन का भी दर्शन नहीं करना, आंखों पर पट्टी बांध ली। दिन रात रोते रहते वृंदावन के रसिक व्याकुल हो गए, कहीं विट्ठल विपुल देव जी के प्राण न निकल जाए, इनको बचाना चाहिए, कैसे बचा। निधिवन राज में रासलीला का आयोजन किया गया, रास बिहारी स्वरूप। अब रास तो रसिकों का प्राणधन है, ठाकुर जी श्री जी स्वयं कह रहे हैं विट्ठल विपुल देव जी, हम तुम्हारे कुंज बिहारिणी कुंज बिहारी श्यामा श्याम तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं, नेत्र खोलकर दर्शन करो। विट्ठल विपुल देव जी ने कहा कि हमें श्यामा श्याम का भी दर्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उन श्यामा श्याम के उपासी हैं जो श्यामा श्याम हमारे स्वामी जी की गोद में खेलते हैं, विहार करते हैं। यदि तुम दर्शन देना चाहते हो तो स्वामी जी की गोद में खेलते हुए दर्शन दो, तो दर्शन करेंगे, नहीं तो दर्शन नहीं करना है। स्वामी हरिदास जी अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन एक प्रेमी के भाव को देखकर स्वामी जी को निकुंज प्रवेश के बाद साक्षात प्रकट होना पड़ा, और उनकी दाहिनी जंघा पर बिहारी जी, बाईं जंघा पर राधा रानी। आपने देखा होगा स्वामी हरिदास जी की चित्र छवि जिसमें गोद में राधा कृष्ण हैं, ये है विट्ठल विपुल देव जी को कराई गई झांकी का दर्शन। और उसके बाद विट्ठल विपुल देव जी सदैव निकुंज में चले गए। हमें भगवान का दर्शन भी अकेले नहीं करना है, हमें अपने गुरुजी के साथ भगवान का दर्शन करना है। धन्य है सहजो बाई का प्रेम, गुरु न तजू हरि को तजिडा, गुरु न तजू हरि को तजिडारु, गुरु न तजू हरि को तजिडारु, गुरु न तजू हरि हरि को तजिडारु, गुरु न तजू हरि को तजिडारु, गुरु न तजू हरि। आहा।
ठाकुर जी और गुरु जी दोनों एक साथ खड़े हो जाए और ठाकुर जी कहें चुनाव करो, दो एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो हमको ले लो या गुरु जी को ले लो, तो आप क्या करोगे? आपकी आप जानो। हम तो कहेंगे ठाकुर जी आप पे बहुत काम धंधा है, घूमो फिरो, हमारे गुरु जी हमारे पास रहने चाहिए, हम गुरु जी से दूर नहीं हो सकते। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।